मुल्क पाकिस्तान के अजीम दीनी दरसगाह जामिया दारुल हुदा में आज खत्मे बुखारी शरीफ का प्रोग्राम है। जोग दर जोग बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक ब्रेक। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया दारुल हुदा जो कि गोल्डा रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद में है और इस वक्त कुछ ही देर में जो है बुखारी शरीफ का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और इस वक्त तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं बिल्कुल स्टेज पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मनाज़िर के स्टेज की जितनी भी तैयारियाँ हैं तमाम तर मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है ना ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम की तैयारियाँ कैसे हुई और यहाँ पर कौन कौन से मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इसके लिए हम बात करेंगे जामिया के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना वली अकरम साहब से। वो हमें बताएंगे इस तैयारियों के हवाले से कि किस हद तक तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर जो है बुखारी शरीफ का प्रोग्राम होने जा रहा है, आप कल से जो है ना तैयारियों में मसरूफ़ है, अब तक किस हद तक तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन रात ही से हमारी तैयारी मुकम्मल थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हो रहा है तो इसका आप लोगों ने क्या टाइम रखा है, किस वक्त शुरू होगा? हमने बराबर जो टाइम रखा है वो 10 बजे से लेकर 1:15 बजे तक। ऐसे मेहमान से ज़्यादा शरीफ होंगे? वैसे तो पूर्व जवार के बहुत सारे उलमा इकराम इंशाल्लाह यहाँ तशरीफ लाएंगे, लेकिन हमारे जो मेहमान खुसूसी होंगे वो हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन मसूदी साहब। इस वक्त तमाम तर मदारस में जितने भी दीनी मदारस और वहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं, आखिर इन प्रोग्राम का मकसद क्या है? इसके कई मकासद हैं। सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये उन तलबा के लिए हमने तरतीब दिया होता है जो एक लंबे अरसे तक जो है दीनी इलम के साथ वाबस्ता रहे, कोई 12 साल, 13 साल, 14 साल, 10 साल तक जो तलबा पढ़ते रहे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से फारिग हो रहे हैं, आलिम बन गए, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके अजीज़ व तारीफ़ की हौसला अफजाई के लिए बुनियादी तौर पर हमने ये प्रोग्राम जो है हम साल करते हैं और तमाम मदारिस वाले इसका तमाम। कितने तलबा की जाने से फारिग? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दौर हदीस से 64 तलबा हैं और तख़स्सुस में लिफ्ता से 8 मुफ्तियान कराम हैं और शुबा हिफ्ज़ में यानी कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तहफ़्फ़ुज़ में ये तकरीबन कोई 40 से 50 तलबा हैं। अच्छा, अब तक कितने प्रोग्राम हो चुके हैं और आप लोगों ने कितने जो है ना उलमा पेश किए? सन 2008 से जो है हमारा यहाँ दौर हदीस की कला शुरू हो गई थी, तो सन 2008 से जो है वो तकरीबन 14 ये हमारा बेज है जो फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में इंशाल्लाह दीन का काम जो है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बाहर से भी लोग तशरीफ लाए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। बल्कि स्कूल के बजाय मदद से, और मेरा पैगाम भी यही होगा कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को स्कूल के ऊपर तवज्जो कम दिलाएं बल्कि मदारिस के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारी इस्लाम हमारी